मैं गीता यादव, आज फिर स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर उपस्थित हुई हूँ। सभी व्यूवर्स को एंड मेरे स्पेशल टीम को अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं फिर अपने एक मोटिवेशनल स्पीच पॉइंट को लेकर मैंने ये बनाया है वीडियो। चलिए थोड़ा आज के बारे में सोचा जाए। आज आप देखते होंगे कि घर घर में किस प्रकार से मोबाइल का चलन है। हर घर में हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लेकिन दोस्तों इस मोबाइल को बच्चे जो है बहुत गलत यूज कर रहे हैं। गलत चीज़ों में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन अच्छे कार्यों में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि अभी अभी मैंने फील किया है इस चीज़ को कि मेरे जो है एक साल इस संस्था में पूरे हो गए हैं, लेकिन एक साल के बाद जितने भी लोगों को मैंने जोड़ा था, स्पेशली वो सब मेरे स्टूडेंट ही हैं, लेकिन वो इस काम में इंटरेस्ट नहीं लेते और ना उन्होंने रिन्यूअल करवाया। मेरे बोलने के बावजूद भी वो लोग मुझे तो बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे कहने पर एट द फर्स्ट टाइम जिस तरह से बताया गया था रूल रेगुलेशन, मैंने उन्हें बताया, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट नहीं। एक महीने के बाद ही पूछते थे कि मैम क्या हुआ, पैसा नहीं मिला। उनके अंदर धैर्य नहीं है, धैर्य बोल के कोई चीज़ उनके अंदर नहीं है। और उसका परिणाम ये निकला कि एक साल पूरा होने पर वो जो है अपना रिन्यूअल नहीं कराए। मैं आज इस टॉपिक को इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए आज का जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से अगर देखा जाए तो दुनिया के हर लोग आजकल के रिलेशनशिप बोलिए, आजकल का बिहेवियर बोलिए, आजकल के यंग जनरेशन का बात बोलिए, सभी कहीं ना कहीं दुखी हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका बर्ताव है। तो इस बर्ताव के पीछे खाली यंग बच्चों का ही मैं दोष नहीं दूंगी, इसमें हम सबों का भी दोष है। इसी दृष्टिकोण पर आज मैं चर्चा करूंगी कि अगर देखा जाए हम लोग तो कितने ऐसे घर हैं जहां पर आजकल भगवान की रामायण चौपाई पढ़ी जाती है, भगवान की पूजा की जाती है। अगर ये बात मैं कहूँ तो लोग बोलेंगे हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा ही पूजा पाठ होता है। होता है, पूजा पाठ होता है, लेकिन वो पूजा पाठ हम कैसे करते हैं, पूजा पाठ हम कैसे करते हैं। देखिए ना, अगर शिवरात्रि का त्यौहार हो, अगर दुर्गा पूजा का त्यौहार हो, चाहे कोई भी पूजा हो, तो बड़ा धूमधाम से उसको सजाया जाता है, किया जाता है, माइक बजते हैं, गाने सुने जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न उठता है, क्या माइक में वो बातें बताई जाती हैं जो देवी देवताओं के लिए हो, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सके? नहीं, उसमें जो है फिल्मी गाने बजाए जाते हैं, नाच गाने होते हैं, आजकल डीजे होता है, तो इससे बच्चे के अंदर वो भावना नहीं होता है, वो संस्कार नहीं आया। आजकल के बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं आता है। नहीं तो आज बच्चे जो है माँ बाप के लिए भी एक गैर जैसा ही लगते हैं, उनका भी बर्ताव चार चरण गैर जैसा ही है। जिसमें सिर्फ बच्चे ही दोस्त नहीं हैं, दोषी नहीं हैं, हम सब भी बहुत दोषी हैं। आज हम अपने घर का माहौल भी ऐसा बना लिए हैं कि बच्चा जो है वही सीखता है। अच्छे अच्छे लोग घर में देखिए स्पीकर लगा हुआ है, तो बड़ा टीवी लगा हुआ है, यहाँ तक कि आजकल फैमिली में हर घर में टीवी लगा हुआ है ताकि सभी लोग अपने पसंद का चीज़ देख सकें।
बहुत बड़ा चेंजिंग आजकल देखने में मिल रहा है, लेकिन इस चेंजिंग से जो है मनुष्य सुखी नहीं है, मनुष्य दुखी ही हुआ है, अगर खासकर पारिवारिक संबंध मिलजुल कर रहना, हर आदमी को अपने अपने पोस्ट के अनुसार देखना, दादी है तो दादी है, माँ है तो माँ है, पापा है तो पापा है, लेकिन आजकल ये संस्कार बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता है। अगर कोई मेहमान हमारे यहाँ मिलने आता है, था या अब भी आता है, तो हम लोग उसको जब वो जाता है तो हम लोग जो है खुद दरवाजे तक जाते हैं, उनको छोड़ते हैं, जब वो कुछ दूर तक चले जाते हैं तब जाकर हम दरवाजा बंद करते हैं। ये भी संस्कार आजकल के बच्चों में नहीं है। वो मेहमान आए बस ठीक है, कोई बच्चा किया कोई बच्चा नहीं किया, अपने कमरे में घुस गया। तो अब हम लोगों को, मैं बच्चों को ये दोष नहीं दूंगी, अब हम माँ बाप को और परिवार के बड़े लोगों को ये चेष्टा करना होगा कि हम जो है इनको उन सब चीज़ों के बारे में बताएं, उन सब चीज़ों को सिखाएं। वो भी कब, जब वो छोटे हो, जब वो 2-3 साल के हो, तभी से वो बीज जो है उनके दिमाग में उनको बोना होगा। अदरवाइज वो 10-12 साल के हो जाएंगे तो हमारे चीज़ों को ओल्ड डेटेड कहकर ठुकरा देंगे। ऐसे ही एक मैं कहानी आज स्पेशल स्टोरी के लिए लाई हूँ, जिसमें पहले समय में गुरु और शिष्य का जो संबंध था, किस तरह से शिष्य निभाता था और किस तरह से गुरु भी निभाते थे। कुछ ऐसे भी गुरु थे जो बच्चों के लाइफ को ही चेंज कर देते थे, अपने उपदेश से, अपने ज्ञान से समझा कर उनको उनका लाइफ ही चेंज कर देते थे। ऐसा ही एक स्टोरी मैं लेके आई हूँ आज, संत तुकाराम। हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था संत तुकाराम एक बहुत ही ज्ञानी और प्रसिद्ध गुरु थे। उनके आश्रम में बहुत से बच्चे पढ़ने आते थे, उसी में एक बच्चा ऐसा था जो बहुत क्रोधी था, बात बात में लड़ता था, बात बात में लोगों से उलझ जाता था, बात बात में गुस्सा हो जाता था। तो गुरुजी उसको जो है डांटते भी रहते थे कि देखो प्यार से बोलना सीखो, बड़ों से एक माने रिस्पेक्ट वाले लहजे में बोलना चाहिए। ये ज्ञान गुरुजी उसको डांट डांट कर बताते थे। और गुरुजी सभी के साथ मीठा बोलते थे, सभी को ज्ञान सिखाते थे, सभी के लिए अच्छे थे। तो एक दिन वो लड़का बोल रहा है कि गुरुजी आप किस तरह से इतना धैर्य के साथ, इतना मीठा बोली के साथ दूसरों को समझाते हैं, जो बदमाशी किया रहता है, गलती किया रहता है उसको भी समझाते हैं, कैसे आपको इतना धैर्य कहाँ से आता है? मुझसे तो ये होता नहीं है, अगर कोई बदमाशी करता है तो मुझे इच्छा करता है कि उसको मार के एकदम फूट फाड़ के रख दे। गुरु जी ने कहा कि मुझे तो खुद पता नहीं, तो मैं भी तो आपका इसी रहस्य को जानने के लिए आपसे ये प्रश्न पूछा हूँ कि इसके पीछे क्या रहस्य है कि आप इतना धैर्यवान है, इतना मीठा बोलते हैं, कोई अगर कड़वा भी बोलता है तो उसको भी मिठाई से समझाते हैं, मीठापन से समझाते हैं, मुझसे तो ये नहीं होने वाला, तो मैं आप अपने इसी नेचर का, इसी चीज का रहस्य मुझे बताइए। गुरु जी ने कहा कि देखो बेटा, मैं अपना रहस्य तो नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे जीवन का रहस्य मैं जानता हूँ। लड़का चौंक गया, क्या आप मेरे जीवन का रहस्य जानते हैं? हाँ, तो बताइए ना गुरुजी मेरे जीवन का क्या रहस्य है। तो गुरुजी ने कहा कि आज से 7 दिन बाद तुम मर जाओ। लड़का भौचक्का हो गया, बोला क्या मैं मर जाऊंगा? उसके हाँ, एक तुम्हारे तकदीर में लिखा हुआ है, तुम अब जाओ और अपने घर में बैठो, चिंतन मनन करो, सोचो, और 7वें दिन तुम हमसे मिलने आश्रम में आना। लड़का गुरु जी का आशीर्वाद लेकर चला तो गया, लेकिन उसके सर में टेंशन हो गया कि गुरु जी ने क्या कहा,
कि वो मेरे जीवन का रहस्य जानते हैं। और गुरु जी ने ये भी बताया कि मैं मर जाऊंगा तो अब क्या है, मेरे पास तो 7 ही दिन है गिन गांव के। तब वो सोचने लगा कि 7 दिन में गुरु जी ने क्या कहना कहा है, क्या करने के लिए कहा है, क्या सोचने के लिए कहा है। तब लड़का जो है सोचने लगा कि 7 दिन का समय है, मैं खुद जो है दूसरों के साथ लड़ जाता हूँ, भिड़ जाता हूँ, बड़ों का भी मैं कभी कभी इज्जत नहीं करता हूँ, तो ये 7 दिन के जीवन के बाद मैं तो मर जाऊंगा, तो कम से कम ये 7 दिन जो है मैं अच्छी तरह से जी। तब वो लड़का जो है जो अपने दोस्तों के साथ लड़ता था उनके पास भी गया और बोला कि देखो भाई, मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बहुत जल्दी उलझ जाता हूँ, लेकिन मैं उसी सब चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगने आया। लड़के भी उसके दोस्त भी जो है आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बोल रहा है कि मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, ये अचानक इसके अंदर परिवर्तन कैसे आ रहा है। वो सब भी सोचने लगे आजकल ये जो है 1-2 दिन में बहुत बदल गया है। वो उन बड़े लोगों के पास भी गया जिनसे वो कभी अपशब्द कहा था या जिनको जो है जिनसे वो उलझ गया था, लड़ाई झगड़ा किया था, उनके पास भी जाकर वो हाथ जोड़ा और बोला कि आप लोगों के साथ भी मैं 1 दिन उलझा था, आपको भी मैंने 1 दिन अपशब्द कहा था, उसके लिए मैं आज आप लोगों से माफ़ी मांगने आया। बड़ों ने भी सोचा कि अचानक ही कैसे बदल गया, ये तो किसी बड़े का इज्जत भी नहीं करता था, किसी के बारे में सोचता भी नहीं था, लेकिन बड़े लोग बोले कि ठीक है चलो बच्चा, तुम जब से समझे हो तब से ही उजाला है, कम से कम ये तुम्हारे बुद्धि में आ तो गया है कि बड़े लोगों का इज्जत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़े। हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और लड़का अपने मन में सोचने लगा कि 7 दिन जो छूटा हुआ है, इस 7 दिन के अंदर मैं क्या किसी के साथ लड़ूंगा, क्या करूंगा, मुझे तो यही सोचना है कि 7 दिन के बाद मुझे क्या होता है। देखते देखते उसका 7वां दिन भी आ गया और 7वां दिन उसे गुरु के आश्रम में जाना था और वो गुरु के पास आया। गुरु जी बोले अरे आओ आओ बैठो। संतुकाराम उसको देखकर समझ गए क्योंकि उसका मुंह थोड़ा उदास था, चेहरा उदास था, वो समझ गए कि शायद कोई चिंतन मनन में है। गुरु जी ने कहा कि बोलो कैसा बीता तुम्हारा ये 7 दिन। लड़के ने कहा गुरु जी ये 7 दिन तो मैं सोचता ही रह गया कि मेरे पास केवल 7 दिन ही है, इस 7 दिनों में मैं क्या करूं, लेकिन मेरे आत्मा ने कहा कि 7 दिनों में अगर तुमको मर जाना है तो तुम जिसके साथ बुरा व्यवहार किए हो उससे जाके कम से कम क्षमा मांग लो। और मैंने वही किया, मैं अपने दोस्तों के पास गया, मैं अपने से बड़े लोगों के पास गया जिनके साथ मैं दुर्व्यवहार किया था, और सभी लोगों से मैंने क्षमा मांगा, सभी लोगों को मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गया है। और वो लोग भी अचंभित हो गए कि आज अचानक मैं इतना बदल कैसे गया, इतना मीठा बात मैं कैसे बोल रहा हूँ। और वो लोग ही बोले ठीक है बच्चा, जब से तुम सुधर गए हो, जब से तुमको ज्ञान आ गया है, तभी से अच्छा है। गुरु ने कहा कि मैं तुमको यही चीज़ सिखाना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन का भी यही रहस्य है जो मेरा जीवन का रहस्य है, अर्थात मृत्यु जो है सभी को आती है, और ये मृत्यु कब आ जाएगी कोई जानता नहीं है, 2 दिन के बाद हो, 7 दिन के बाद हो, 70 साल के बाद हो, 80 साल के बाद हो, हमको जब तक जीना है अच्छी तरह से जीना है, अच्छी तरह का व्यवहार सभी के साथ करना है। और यही चीज जो है तुम्हें भी ज्ञान हो गया है और यही मेरा रहस्य था। शिष्य जो है आंख में आंसू लुए, गुरु के चरणों में गिर गया और बोला सचमुच गुरु जी आपने मुझे एक ऐसा ज्ञान दिया है जिससे मेरा जीवन ही बदल गया, अब मैं जब तक जीऊँगा आपके ही रास्ते पर चलूँगा। दोस्तों यहीं पे मेरी कहानी खत्म हो रही है और इस कहानी के द्वारा मैं यही बताना चाहती हूँ कि पहले समय के गुरु बोलिए, पहले समय के शिष्य बोलिए, गुरुओं को बात मानते थे, गुरु भी बच्चे का ध्यान देते थे, तभी तो संत तुकाराम जी ने एक ऐसे क्रोधी बच्चे को, ऐसे बदमाश बच्चे को सुधार दिया और एक संत का रूप बना दिया। लेकिन आजकल
टीचर तो दूर रहे, माँ बाप भी अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनका आक्रोश कम नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही रास्ते में नहीं डालने सकते हैं। इसके पीछे खाली लड़के का ही दोष नहीं है, बच्चों का ही दोष नहीं है, हम माता पिता को भी अपने को संभालना होगा और अपने को सुधारना होगा। और इसको सुधारने का सही रास्ता है हमारे ग्रंथ। अगर हम उसका चर्चा करेंगे बच्चों के साथ, अगर हम उसको उसके साथ बैठकर उस चीज़ को बचपन से, बड़े होने के बचपन से उसके दिमाग में डालेंगे, तो वो जरूर यही समझेगा कि हाँ ये बात जो है सही है। और नहीं तो अगर हम उनके सामने वीडियो देखेंगे, टीवी देखेंगे, वो बेकार गाने सुनेंगे, तो वो बच्चा उसी को सच्चाई मानकर, उसी को देखकर, यही सच्चा चीज़ है, वो वही एक्टिविटीज को करेंगे। दोस्तों अगर हमको अपना लाइफ चेंज करना है तो हमको ज्ञान लेना ही है, और ज्ञान जो अध्ययन से आता है, और इसी ज्ञान को पाने के लिए हम लोग स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। मैं तो यही कहूँगी कि कम से कम आप लोग स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन करके पहले आप लोग 200 रुपया ही देकर एक्टिवेट हो जाइए, और स्पेशल स्टडी से ही काम करना शुरू करिए। बाद में अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे करना है, तो आप दूसरे में जाइएगा। आप आइए, स्पेशल स्टडी को हम लोग स्पेशल स्टडी नहीं, स्पेशल एसपीएल कैश भी है, बहुत सारे वेबसाइट हैं, लेकिन हम लोगों ने आज 1 साल से ये स्टडी किया है, उसमें क्या नहीं है, हर चीज़ है। खाली ये नहीं है कि इसमें सर के द्वारा पढ़ाया गया कोचिंग वीडियो ही है, नहीं दोस्तों, आप वर्ल्ड को भी देख सकते हैं, एसपीएल वर्ल्ड में देख सकते हैं, आप तरह तरह के गाने सुन सकते हैं, पुराने पुराने गाने हो, नए नए गाने हो, आप एचपीएल मंच मीडिया में भी देख सकते हैं, बहुत कुछ जो चीज़ हम लोग मिस कर गए हैं उसको भी आप खोलेंगे तो सालों सालों का चीज़ जो है मंच मीडिया में दिखाया जाता है। हर चीज़ का रिग्रेशन जो है एचपीएल में है, और सबसे बड़ा संतोष यही है कि हम लोग एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं, हम लोग जो है यहाँ पर जरूर आएंगे तो कुछ अच्छा ही ग्रहण करेंगे और बुराई को भी छोड़ेंगे। तो इसीलिए आप खुद भी जुड़ने का चेष्टा करिए, माँ बाप को भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर एज का कोई बर्डन नहीं है, प्लस अपने बच्चे को भी एक नया दिशा दीजिए ताकि वो इन सब चीज़ों को छोड़कर थोड़ा ज्ञान की बातें सुने, थोड़ा अपने धर्म ग्रंथों के बारे में सुने, जो एचपीएल में हर चीज़ मौजूद है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे और हम लोगों के परिवार को आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।